आम दुश्मनों से बात होगी और ना ही नर्म रवैया अपनाया जाएगा। दहशतगर्दी को खत्म करने का वक्त आ गया है। दहशतगर्द ग्रुप अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का जल्द बलोचिस्तान के दौरे का भी ऐलान। वफाकी काबीना इजलास में कहा कि दहशतगर्द सी पैक और दीगर तरक्याती मंसूबे रोकना चाहते हैं। गुज़िश्ता चंद माह से दहशतगर्दी की लहर में इजाफा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशतगर्दों ने बेगुनाह पाकिस्तानियों को निशाना बनाया। इस दहशतगर्दी को ख़त्म करने का अब वक्त आ पहुंचा है। ये बात कोई अबराज नहीं है तहरीक तालिबान कि वो दहशतगर्द हैं जो अफगानिस्तान से जो ऑपरेट करते हैं। चंद दिनों में बड़े अंदोनाक वाक़यात हुए हैं, दर्जनों बेगुनाह पाकिस्तानी शहीद हुए हैं। पिछले चंद माह से जो लहर है केपी में डेरा इस्माइल खान करक और दूसरे इलाके, वहाँ पर भी दहशतगर्दों ने बेगुनाह पाकिस्तानियों को शहीद किया। मज़मूम और नापाक जो इनके अजायम हैं उसका वाहिद मकसद यह है कि पाकिस्तान के अंदर तरक्की के सफ़र को रोका जा सके। सी पैक के तहत जो बलूचिस्तान में और पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में जो मंसूबे चल रहे हैं उनको रोका जा सके।